इस वक्त केंद्र सरकार के वकील अपनी बात रख रहे हैं, राष्ट्रपति जी के फैसले के लिए भेज देंगे। दिल्ली सरकार का ये कंटेंशन के दिल्ली सरकार को स्टेट मान के लेफ्टिनेंट गवर्नर को स्टेट के गवर्नर की तरह मान लिया जाए, उस कंटेंशन को कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया है। कोर्ट ने रिएट्रेट कर दिया है कि दिल्ली नेशनल कैपिटल है, इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी, इट इज़ नॉट अ स्टेट, देर इज़ नो एक्सक्लूसिव एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग विद द स्टेट गवर्नमेंट, इट इज़ सब्जेक्ट टू द डिसीशन मेकिंग बाई द लेफ्टिनेंट गवर्नर of exercising his power if he has a bona fide difference which can be supported by material for the decision by the president. Court ne ye bhi kaha hai ki LG hi administrator hai. LG to administrator hain, lekin jo ek elected government hai unka apna karya hai, LG sahab ka apna karya hai, lekin ek jo situation aur ek jo vyavastha jisko clear kar diya gaya hai ki har faisla jo elected government karegi उस फैसला करने से पहले और उस फैसले को कार्यान्वयन करने के साथ साथ एलजी को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एलजी का जो अपना अख्तियार प्रोवाइजो 239AA4 में है कि वो डिसएग्री कर सकते हैं, वो उसका तभी उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं जब हर मामला उनके संज्ञान में लाया जाए। अगर एलजी साहब के पास रीजन है मंत्रिमंडल के किसी भी फैसले को ना अग्री करने के लिए, जो कि हर मैटर में नहीं होना चाहिए और ना ही ये किसी का केस था कि हर मैटर में वो डिसएग्री कर सकते हैं, जहाँ पे उनके पास रीजंस हैं, रीजंस किस प्रकार के, जो दिल्ली के हित में हो, दिल्ली के एग्जिस्टेंस के, दिल्ली के फंक्शनिंग के हित में हो एज अ नेशनल कैपिटल, वो उनके ऊपर बाध्य नहीं होगा। बट एलजी बाध्य होंगे जो फाइनली प्रेसिडेंट साहब फैसला करेंगे। तो तब तक फैसला लागू नहीं होगा सर? तब तक फैसला वो लागू नहीं होगा जब तक राष्ट्रपति जी, जहां पर भी उनके पास कारण है कि दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट के फैसले को ना माना जाए क्योंकि वो दिल्ली के हित में नहीं है, वो उनको माननीय राष्ट्रपति जी के पास भेजेंगे। राष्ट्रपति जी का फैसला एलजी के ऊपर और दिल्ली के इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर भी बाध्य होगा। डे टू डे फंक्शनिंग में हर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी से एक्सपेक्टेड है और कोर्ट ने साफ तरीके से कह दिया है कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट दे मस्ट वर्क इन अ कोहेसिव मैनर एंड इट इज नॉट दैट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मस्ट बी ऑन एवरी ट्रिवियल इशू। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।